हेलो एवरीवन, आई एम सरोज पटेल। आई एम अ फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। आज आप सभी को पता है कि मैं जिस मुद्दे पर काम करती हूँ वो है महिलाएं, और वो काफ़ी समय से मैं काम करती आ रही हूँ जिसके लिए। और एक्चुअली जो मैं काम करती हूँ वो मेरा सिर्फ काम नहीं है, वो मैं एक्चुअली उनकी उनकी जो हालत होती है वो मैं फील करती हूँ। मैं उन्हें अपनी जगह रख कर देखती हूँ। तो आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो प्लीज़ बहुत इमोशनल है, और प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा। इतना सा क्या हम अपना समय नहीं निकाल सकते हैं कि हम एक वीडियो सुन सकें और उसके बाद हम हो सकता है कि हम कुछ समाज के लिए कर पाएँ, नहीं भी कर पाएँ तो अगर जो कर रहा है उनके खिलाफ़ हम कुछ सबूत तो इकट्ठा कर पाएँ, कुछ नहीं तो हम इतना तो कर सकते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन एक छोटा सा समाज का जब हम कार्य करते हैं और वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो दुनिया की सबसे बड़ी और करोड़ों दौलतों से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो आप प्लीज़ पूरा सुनिएगा। आज जो विषय है वो है, लड़की का कोई घर नहीं होता है, कोई घर नहीं होता है। जब बचपन से वो पली बड़ी होती है जिस घर में, उसे उसे लाया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसे वो जिस आंगन में खेलती है, बड़ी होती है, वो कहती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब वो थोड़ी बड़ी होती है तब कभी माँ बाप बोलते हैं, कभी रिश्तेदार बोलते हैं, और हमेशा यही सुनने को मिलता है कि तू कुछ सीख, तू कुछ कर, पराए घर जाएगी तो क्या करेगी, लड़की है, पराए घर में पराए घर जाना है, ये करना, तुझे अच्छे अदब से बात करना, तुझे ये सीखना चाहिए, तुझे ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रोक टोक, लड़की किससे बात कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसका हर चीज़ का बैकग्राउंड चेक होता है, ये है वो है, उसे जितना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं उतना परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसे पराए घर जाना होता है, उसे धीरे से बात करना, अदब से बात करना, अब ज़ोर से बात करने का लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होता है, ज़ोर से हंसने का लड़की का कोई अधिकार नहीं होता है। और जब लड़की जो है अपने ससुराल जाती है, घर नहीं है लड़की का, पहले जो था वो मायका था, अब जो है वो ससुराल है लड़की का, लेकिन जब वो ससुराल में भी जाती है तब उसके साथ में अत्याचार होता है। अभी रिसेंटली जो एक मामला जो सामने आया है वो है आयशा का। इस तरह की कितनी ही आयशा हैं जो कि इस जो शोषण का पीड़ित है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, कई बार में सुनने में आता है कि जो जितने भी जो घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं वो फेक केसेस होते हैं, विच मैं ये गलत नहीं कहती हूँ कि ये गलत है या सही है, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, बट जो एक्चुअली जो केसेस होते हैं वो कभी सामने नहीं आते। हमेशा ही बातें, चाहे वो रेप केस की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो, जो असल केस होते हैं वो कभी सामने नहीं आ पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, 2015 में करीब 7634 केस में जो है वो लड़की को मार दिया गया है, और सिर्फ डाउरी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उन्हें मार दिया गया। उसके बाद अगर मैं आपको आंकड़े बताती हूँ तो ऑन एन एवरेज जो है वो 22 लड़कियाँ जो है वो हर रोज़ मारी गई है, उनकी मृत्यु, उनका मर्डर किया गया है। अब वो मर्डर है, वो आत्महत्या है, अगर वो आत्महत्या है तो वो भी एक सिर्फ मर्डर ही कहलाता है। दूसरी चीज़, 2019 में ये जो है मामले फिर भी कम नहीं हुए। हम बोलते कि बेटियां हैं, हमारी बेटियों के लिए इतने सारे कोर्ट्स लिखते हैं, इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं, हर कोई चाहिए कि हमें तो बेटी चाहिए। तो फिर ये जो चीज़ें हो रही है, 2019 में 7115 वीमेन को मार दिया गया है। कैन यू इमेजिन, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये NCERB के आंकड़े हैं जो कि 2019 में मार दिया गया है महिलाओं को। उसके बाद देखा जाए तो कंटिन्यूसली फरवरी की अगर मैं बात करती हूँ तो फरवरी में 13 फरवरी को एक लड़की को मार दिया गया है, 25 फरवरी को एक लड़की को 22 साल की लड़की को मार दिया गया है, गुरुग्राम में 25 फरवरी को फिर मृत्यु हुई है। ऐसे किसी
3 मार्च को, ऐसे कितने ही आंकड़े हैं जो हर रोज जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ हमें सुनने में आते हैं, लड़की को मार दिया जाता है और जो टॉर्चर है वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और हम बोलते हैं कि लड़कियां लड़कियों के साथ में जो होता है वो गलत केसेस होते हैं, जो सही केसेस होते हैं क्या उन पर हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है? या फिर ऐसा जो लड़की को हम पैदा करते हैं, माँ बाप लड़की को बड़ी करते हैं, उन्हें जान से ज़्यादा प्यारी प्यारी रखते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते करते लड़की को एक दिन मार दिया जाता है? क्या ये जो आंकड़े मैंने बताए हैं 7115 आंकड़े जो कि 2019 में, और ये आंकड़े जो है वो आपको लगता है आपको कम हो रहे हैं? क्योंकि जो मामला अभी जो मामला आया है, आयशा का मामला आया है, और वो उसने इस तरह से जो वीडियो बना करके जो उसकी उसने सुसाइड किया है वो पॉपुलर हो गया, इसलिए सबको लग रहा है ऐसा। लेकिन कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें महिलाओं को आज भी जला दिया जाता है, कहते हैं कि डावरी खत्म हुई है, डावरी और दहेज प्रथा कभी खत्म हुई ही नहीं है। लड़की को बेचा जाता है, और एक तरफ से लड़की को खरीदा जाता है, एक तरफ दूसरी तरफ से लड़की का कन्यादान किया जाता है, क्योंकि लड़की तो एक वस्तु होती है ना। लड़की को एक एक जना बेच रहा है, एक जना खरीद रहा है, और लड़की को दान में दिया जा रहा है। शर्म आती है मुझे ऐसे समाज में, शर्म आती है मुझे ऐसे रिचुअल पे कि लड़की का खरीद बेच के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो उन्हें मार दिया जाता है। लड़की का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, इसीलिए कई सारे माँ बाप जो है वो बच्चों को कोख में मार देते हैं। वाकई में ये सही भी है? अगर लड़की को कोख में मार रहे हैं तो कम से कम उसको दर्द तो कम होगा। जिस तरह से लड़की को बड़ा किया जाता है, लड़की को पढ़ाया लिखाया जाता है, इतना प्यार दिया जाता है, उसके बाद उसको जिस तरह से ससुराल वाले मार देते हैं, इससे बेहतर तो है कि उसे जो है वो कोख में ही मार दिया जाए। आप क्या कहते हैं? फीमेल पिटी साइट जो है वो लीगल कर देनी चाहिए, जिस तरह से ये आंकड़े सामने आते, जिस तरह से बलात्कार होता है लड़की का। अगर कोई भी मामला है वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, या फिर लड़की के जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से नंगे, या फिर उसके साथ में कुछ मानवीय इस तरह की हरकतें जो देखी नहीं गई हो, चाहे वो शायद मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन जब इस तरह की जब चीज़ें नहीं होती है तब तक वो मामला सामने नहीं आता है। लेकिन अभी भी बलात्कार जो है हर घंटे में, भारत में हर घंटे में एक बलात्कार होता है, लेकिन हम उस पर जब तक हम अपनी चुप्पी साधे रखते हैं तब तक कि वो मामला जो है वो पब्लिक में बहुत पॉपुलर नहीं होता है। कृपया हम सभी मिलकर के और कुछ ने कुछ तो कर सकते हैं, कुछ आप भी अपने सुझाव दें। मैं जितनी मुझसे प्रयास होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं एक सिर्फ हमेशा कहती आई हूँ, मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, मुझे आप सभी के साथ की ज़रूरत है। और प्लीज़ वीडियो पूरा सुनिएगा, सही लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।